दोस्तों होमोजीनस टोन्ड मिल्क एंड होमोजीनस स्टैंडर्ड मिल्क दोनों में से कौन सा आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसे 90 डेज तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो क्या इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, एंड स्टैंडर्ड मिल्क जो 48 आवर्स तक मैक्सिमम या फिर किसी किसी केस में 3-4 डेज तक हम लोग इसे स्टोर कर सकते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है कि नहीं, सारे बात इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोजीनस टोन मिल्क को 90 डेज तक स्टोर करने का राज। फैक्ट्री में जो नेचुरल मिल्क मिलता है उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर में बॉयल किया जाता है एंड इमीडिएटली बहुत ही लो टेम्परेचर में इसे ठंडा किया जाता है। इसके वजह से जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिसके वजह से दूध से दही मिलता है वो बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है, एंड इसे हम लोग कोई भी एयर टाइट कंटेनर में अप टू 90 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसे ओपन करने के बाद हम 48 आवर्स तक हम लोगों के पास टाइम होता है एंड उसी में हम लोगों को कंज्यूम करना होता है। रीज़न है एयर में जो हम लोगों का बहुत टाइप का वायरस बैक्टीरिया ये घूमते रहते हैं इसके वजह से ये ख़राब हो सकता है, एंड क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट करने के वजह से जो फैट मॉलिक्यूल है उसका नंबर में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलता है, तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एंड साथ ही साथ जिन लोगों को नॉर्मल जो काऊ मिल्क है वो इंटेक करने की वजह से ब्लोटिंग या फिर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है वो ये टोन्ड मिल्क यूज़ करने से उन लोगों को काफ़ी कम मात्रा में ये सारे प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन कोई भी मिल्क आप जब हम लोग एडल्ट लोग इंटेक करते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1-2 दिन आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली इसे लेते हो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाता है एंड उसके बाद आप कंटिन्यूसली मिल्क को इंटेक कर सकते हो। एंड फाइनली बात कर लेते हैं होमोजेनस स्टैंडर्ड मिल्क, तो जितना भी सारा मैन्युफैक्चरर है ये लोकल वेंडर के साथ इन लोगों का एक टाई अप होता है एंड ये लोकल काउ मिल्क कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद इसे प्यूरीफाई करके देन आपको सील पैक हाथ में मिलता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन है 48 आवर्स या फिर 3-4 डेज तक, इसका पैकेज में ही लिखा हुआ रहता है कि एक्सपायरी डेट कितना है, तो उसके अंदर आप लोगों को यूज़ करना होता है। फाइनली बात कर लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड मिल्क है एंड हमारे पास है एक टोन्ड मिल्क, इन दोनों में से कौन सा पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है रेगुलर दूध कलेक्ट करने के लिए तो वो लोग इस टाइप का जो पैकेज फूड है उसे यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बस इसमें फैट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा उस वजह से। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड यही होता है कि अगर आपको प्योर काऊ मिल्क मिल रहा है या फिर उसका सोर्स आपके घर के आसपास है तो हमेशा प्योर काऊ मिल्क का इंटेक करें। एंड इस टाइप का जो पैकेज मिल्क है तो जिन लोगों के घर के आसपास काऊ मिल्क का सोर्स नहीं है वो लोग इस टाइप का मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर बिलव्ड पीपल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।